Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about how to get a job in Shantha Biotech. आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कैसे Shantha Biotech में जॉब पा सकते हैं. फ्रेंड्स, जैसे हमने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में अपनी जो हमारी कोर बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर उनके बारे में हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस किया है, ऐसे ही आज हम लोग अपनी इस वीडियो में Shantha Biotech और फ्रेंड्स इसी इंडस्ट्री को हम लोग या इसी कंपनी को हम लोग Shantha Biotechnics भी बोलते हैं और ये हमारी एक कोर बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर. और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होना भी जरूरी है यहाँ पे कि जो Shantha Biotechnics है ये एक पार्ट है सोनोफी और एवेंटिस ग्रुप का, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है. तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेनोफी है वो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एवेंटिस सेनोफी आप लोगों को पता होगा. और फ्रेंड्स, जो हमारी Shantha Biotechnics है या जिसको हम लोग Shantha Biotech यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हमारे एक ही हमारी ये इंडस्ट्री है, एक ही हमारी कंपनी है. आप लोगों को इसमें कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है और आप लोग इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ में बने रहें. और आज हम लोग अपनी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अपनी इस एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम लोग इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, जो हमारी इंडस्ट्री है वो हमारी चेंज होती है हमारी हर एक पर्टिकुलर वीडियो में. बट फ्रेंड्स, जो हमारे आप लोग कैसे वहां पे जॉब पा सकते हैं वो सभी जो हमारे एक तरह से जो वेज हैं या जो हमारे वहां पे मेथड हैं या जो हमारे तरीके हैं वो वहां पे चेंज नहीं होते. तो इसमें भी आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. और इन सभी वीडियोस का एक ही पर्पस है कि आप लोग जो है वहां पे अवेयर हो जाएं, आप लोगों को ये पता चल जाए कि इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं जहां पे हम लोग जाके जॉब कर सकते हैं, हम लोगों को वहां पे जॉब मिल सकती है. और अगर उन सभी इंडस्ट्रीज में हम लोग जॉब करते हैं या हम लोगों को वहां पे जॉब मिल जाती है तो वहां पे फ्रेंड्स हमारा जो फ्यूचर है वो वहां पे ब्राइट हो जाता है और ब्राइट हो सकता है. तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इन सभी वीडियोस को देखें और इन वीडियोस में जो मैं आप लोगों के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूं उस इंफॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से वहां पे अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं Shantha Biotechnics के बारे में, जिसको हम लोग Shantha Biotech भी बोलते हैं. और फ्रेंड्स, ये जो है जैसे मैंने बताया कोर इंडियन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है. और फ्रेंड्स, ये इसका जो प्लांट है वो हैदराबाद में है और फ्रेंड्स जो इसका हेडक्वार्टर है वो भी हैदराबाद में ही है. तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. और फ्रेंड्स, ज्यादातर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी की हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी हैदराबाद में ही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए. हमारा साउथ इंडिया में ही बायोटेक्नोलॉजी की ज्यादातर इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर हमारी है. और फ्रेंड्स, कुछ इंडस्ट्री हमारी चंडीगढ़ के पास में बद्दी और जो सोलन है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे भी है. और कुछ इंडस्ट्री हमारी अहमदाबाद में है, गुजरात में है. और कुछ इंडस्ट्रीज हमारी उत्तराखंड में भी हैं, जैसे मैंने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के बारे में आप लोगों को बताया था, ये इंडस्ट्री हमारी सेलाकुई में है, देहरादून के पास में ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे ये इंडस्ट्री है. तो ऐसे करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है इंडिया के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है. तो फ्रेंड्स, ये जो है ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो फ्रेंड्स डेवलप करती है या मैन्युफैक्चर करती है या मार्केट करती है. फर्स्ट ऐसी इंडिया की ये एक कंपनी है जिसने फर्स्ट जो है डेवलप किया या मैन्युफैक्चर किया या मार्केट किया रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इसने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर बनाए. और फ्रेंड्स, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन प्रोडक्ट्स बनाने वाली पहली इंडिया की ये एक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. और फ्रेंड्स, ये रिकॉम्बिनेंट जो वैक्सीन हमारी होती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, ये वैक्सीन सबसे पहले जो बनाई है वो इसी इंडस्ट्री ने बनाई है. तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा. और ये जो इंडस्ट्री फाउंड हुई है ये 1993 में हुई है. और फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन्स. और फ्रेंड्स, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं कुंदरू ईश्वरा
वरा प्रसाद रेड्डी और फ्रेंड्स इनके साथ में जो इस कंपनी को बनाने में इनकी हेल्प की है वो की है खलील अहमद ने बहुत हेल्प की है इनकी, जो इसके फाउंडर हैं और ये इनके साथ में थे खलील अहमद। और फ्रेंड्स इन दोनों लोगों ने इस इंडस्ट्री को बनाया है और इसको बहुत ही ऊपर तक ये लोग लेके गए हैं और इसको इन्होंने इंडिया के अंदर एक रेपुटेटेड इंडस्ट्री बना दिया है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके जो CEO हैं, जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं हरीश अय्यर। और फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि ये जो इंडस्ट्री बनी है ये बनी है सैनोफी ग्रुप से, और सैनोफी ग्रुप जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया के अंदर। और फ्रेंड्स इस सैनोफी ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में है। और एक तरह से आप लोग शांता बायोटेक्निक्स को या शांता बायोटेक को सैनोफी एवेंटिस ग्रुप की एक सब डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई इसके ये किस इंडस्ट्री से ये इंडस्ट्री या ये कंपनी बनी है, इसकी सब बड़ी इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कौन सी इंडस्ट्री की ये सब डिवीजन इसको लोग वहां पे बोलते हैं या मानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पे कैसे कैसे जॉब पा सकते हैं, मेन जो टॉपिक है वो ये है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोज में भी आप लोगों को बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के रेफरेंस में मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग वहां पे कैसे जॉब पा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग आज अपने वेज के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा वे है जिस वे के थ्रू आप लोग इस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं या कोर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं वो है हमारा ऑनलाइन जॉब साइट्स। आप लोग ऑनलाइन जॉब साइट्स पे जाके वैकेंसी को चेक कर सकते हैं, देन आप लोग वहां पे अपना जो आप लोगों का रिज्यूमे है उसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं, भले ही आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हो भले ही आप लोग वहां पे एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हो। और फ्रेंड्स ज्यादातर स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम रहती है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि वो लोग जहां पे भी अप्लाई करते हैं वहां पे उन लोगों से 1 to 2 years का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इस पे भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस किया है, बट मैं आप लोगों के साथ में एक बार फिर इसको यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी आप लोगों के साथ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे ऑनलाइन जॉब साइट्स के थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, naukri.com अदर भी बहुत सारी हमारी जो है वेबसाइट्स आप लोगों को मिल जाएंगी, ऑनलाइन जॉब वेबसाइट्स वहां मिल जाएंगी या साइट्स आप लोगों को जनरली मिल जाएंगी। नेक्स्ट ओपन इंटरव्यू और फ्रेंड्स एक होता है कॉन्टेक्ट पर्सन। ओपन इंटरव्यू एक अलग वे है, कॉन्टेक्ट पर्सन के थ्रू एक अलग वे है अगर आप लोग जॉब चाहते हैं। तो फ्रेंड्स जो ओपन इंटरव्यू है और जो कॉन्टेक्ट पर्सन है ये दो जो वे है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही क्रूशियल है जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं या जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो इसीलिए मैं उनको कंबाइंडली आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। और इनका मीनिंग भी मैं समझा देता हूं कि जो ओपन इंटरव्यू है, ओपन इंटरव्यू मींस कि एक इंडस्ट्री जो है वो एक ईयर में एक या दो बार ओपन इंटरव्यू कराती है जिस इंटरव्यू में कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। और फ्रेंड्स ये सभी के लिए ओपन एक इंटरव्यू होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, और आप लोग इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहां पे अगर आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं तो आप लोगों को भले ही आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हो भले ही आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हो आप लोगों को वो कंपनी वहां पे हायर कर लेती है, वो कंपनी आप लोगों को रिक्रूट कर लेती है। और फ्रेंड्स जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पे जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होती है पाने की वो बहुत ज्यादा होती है इन टू वेज के थ्रू, एक ओपन इंटरव्यू और दूसरा कॉन्टेक्ट पर्सन। तो कॉन्टेक्ट पर्सन का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ जो सीनियर्स होते हैं जो रिलेटिव्स होते हैं वो पहले से ही इन इंडस्ट्रीज में या इस टाइप की जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं भले ही हमारी फार्मा इंडस्ट्री हो या हमारी बायो फार्मा इंडस्ट्री हो, और फ्रेंड्स या जैसे बायो फार्मा इंडस्ट्री को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बोलते हैं, तो फ्रेंड्स वहां पे अगर कोई आपका पहले से रिलेटिव वर्क कर रहा है तो उसके रिफरेंस में आप लोग जा सकते हैं, वो आप लोगों का एक कॉन्टेक्ट पर्सन वहां पे हो सकता है और उसके रिफरेंस से आप लोगों को वहां पे इजिली वे में जॉब मिल जाती है। अगर वो अपना रिकमेंडेशन आप लोगों को वहां पे दे दे आप लोगों के जॉब के लिए वो वहां पे अपना रेफरेंस आप लोगों को वहां पे दे दे, तो ऐसे आप लोगों को वहां पे जॉब मिल सकती है। और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कॉन्टेक्ट पर्सन वाला जो एक वे है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे एक रोल जो है वो प्ले करता है या कर सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी बहुत सारी होती हैं फ्रेंड्स, और आप लोग जो है कंसल्टेंसी के थ्रू भी जॉब पा सकते हैं। और जहां पे हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, जहां पे हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया इसी वीडियो में कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हमारे इंडिया के अंदर हैं, या हमारी बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे हमारी बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, तो वहां पे उन इंडस्ट्री के आसपास हमारी प्राइवेट कंसल्टेंसीज हमारी रहती है, और उन प्राइवेट कंसल्टेंसीज की अपनी कुछ एक एप्लीकेशन फीस वहां पे रहती है, तो वो एप्लीकेशन फीस आप लोगों को वहां पे देनी पड़ती है। और वो जो कंसल्टेंसीज होती हैं उनका डायरेक्ट जो कांटेक्ट होता है वो किसी भी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के एचआर डिपार्टमेंट के साथ में होता है, और फ्रेंड्स वो लोग एचआर डिपार्टमेंट के साथ में वहां पे कुछ एक तरह से जैक लगा के या कुछ कांटेक्ट करके वो आप लोगों को वहां पे जॉब दिला सकते हैं। तो ये भी एक वे हो सकता है आप लोगों के लिए जॉब पाने का, अगर आप लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या आप लोग अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान है, और अगर आप लोगों का कहीं पे प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स इस वे के थ्रू भी आप लोग जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट जो हर एक इंडस्ट्री की, चाहे वो बायोफार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारी फार्मा इंडस्ट्री हो, उसकी अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, और उस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप लोग उसको ओपन करके देखेंगे तो वहां पे आप लोगों को एक कैरियर का ऑप्शन वहां पे दिखाई देता है। तो उस कैरियर के ऑप्शन में अगर वहां पे वैकेंसी है तो आप लोगों को आप लोगों की डिटेल फिल करने का वहां पे ऑप्शन रहता है, और आप लोगों को वहां पे अपना जो आप लोगों का रिज्यूमे होता है उसको अपलोड करने का भी वहां पे ऑप्शन आता है कई इंडस्ट्री की वेबसाइट में। और फ्रेंड्स कई इंडस्ट्री की वेबसाइट में रिज्यूमे को अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता, वहां पे खाली बस जो वहां पे आप लोगों की जो एक तरह से जो क्राइटेरिया होता है या जो इन्फॉर्मेशन वहां पे मांगी जाती है उसको फुलफिल करने का ओनली वहां पे ऑप्शन रहता है, तो उसको आप लोग फुलफिल कर सकते हैं। अगर वहां पे वैकेंसी है तो वो आप लोगों को रिप्लाई वहां पे जरूर करते हैं, और आप लोगों को कई बार कॉल भी करते हैं, क्योंकि वहां पे आप लोग अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देते हैं और आप लोग अपनी जीमेल आईडी भी वहां पे फिल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई ऑफिशियल वेबसाइट की, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे इसलिए वहाँ पे अप्लाई नहीं करते, और उन लोगों वो लोग खुद से ही सोच लेते हैं, खुद ही अपने मन में हाइपोथेसिस बना लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने ये क्वेरी देखी है या ये प्रॉब्लम सुनी है कि सर रिप्लाई नहीं आता। अगर वहाँ पे रियल में वैकेंसी है, अगर वहाँ पे जगह खाली है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को जरूर वहाँ पे रिप्लाई आएगा। तो आप लोग अपनी तरफ से आप लोग अपने एफर्ट में कमी ना छोड़ें, बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप लोगों का वहाँ पे उसमें कोई रोल नहीं होता। आप लोग जो आप लोगों का वर्क है आप लोग उसको वहां पे फर्स्ट जरूर करें, अपने मन में खुद से ही वहां पे ना सोचें, ट्राई करना आप लोग बंद मत करें, क्योंकि फ्रेंड्स कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये आप लोगों को भी पता है कि बायोटेक्नोलॉजी डोमेन में जॉब पाना बहुत बड़ा एक टास्क है, तो फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करना मत छोड़ें, आप लोग लगे रहें, आप लोग कंटिन्यू रहें, आप लोगों को जरूर जॉब मिल जाएगी, ये मेरा आप लोगों के साथ में प्रॉमिस है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट मेल। आप लोग एचआर डिपार्टमेंट को डायरेक्ट मेल लिख सकते हैं, और उनसे आप लोग अपनी क्वेरी जो है जॉब के रिगार्डिंग आप लोग उनको बता सकते हैं, और उनसे आप लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं कि सर मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, और आप लोग मेल आईडी आप लोगों को मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पे आप लोग वहां पे मेल कर सकते हैं। अगर वहां पे वैकेंसी होगी तो आप लोगों को रिप्लाई मेल वहां पे आ सकता है या आप लोगों को आता है, अगर नहीं होगी तो फ्रेंड्स वो फिर उन लोगों की भी प्रॉब्लम होती है कि वो आप लोगों को वहां पे कॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने आईआईटी से, आईआईएससी से, या आप लोगों ने एनआईटी से अपना कोई भी जैसे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स किया है, आफ्टर क्रैक आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम और आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम, आप लोग बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बाद, या अगर आप लोगों ने अपना कोई भी बीएससी कोर्स बायोलॉजिकल स्ट्रीम से किया है, तो आप लोग आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम दे सकते हैं, देन आप लोग एमएससी कर सकते हैं आईआईटी से। तो अगर आप लोगों ने किसी भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से अपना बैचलर डिग्री किया है या अपना मास्टर डिग्री किया है, जैसे आईआईटी एनआईटी या आईआईएससी, यहां से आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम से अपना कोई भी अपना कोर्स किया है, तो ये इंडस्ट्री आप लोगों को इजीली हायर वहां पे कर लेती है, इजीली आप लोगों को जॉब दे देती है, क्योंकि फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री को भी पता होता है कि आप लोग जो है एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से आए हैं, और आप लोगों की जो नॉलेज होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और आप लोगों की जो हैंडलिंग होगी टेक्निक्स को लेके या इंस्ट्रूमेंट्स को लेके वो बहुत ही अच्छी वहां पे हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स इन लोगों को ये रहता है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत
ही अच्छी मानी जाती है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से करें जो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ है। और फ्रेंड्स, जो लोग अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री करते हैं या फ्रेंड्स जैसे IIT NIT या IISC जैसे इंस्टीट्यूशन का टैग लेके आते हैं तो उन लोगों को इजिली फिर जॉब मिल भी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है। अगर आप लोग डिग्री ले सकते हैं इन सभी इंस्टीट्यूट से तो इन सभी इस टाइप की जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल लगता है आप लोगों को एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से कोई भी डिग्री करने के बाद, तो इन सभी इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोग डिग्री कर लेते हैं देन इन इंडस्ट्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को इजिली रिक्रूट यहाँ पे कर लेते हैं लोग। ये मेरा यहाँ पे आप लोगों को समझाने का, डिस्कस करने का आप लोगों के साथ में एक मेन पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स की, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है और मेरी वीडियोस पे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन किए हैं और फेसबुक पे चिकीज बायोलॉजी पेज पे भी कई बार क्वेश्चंस आते रहते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आते रहते हैं कि सर ज्यादातर जो बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस वहां पे मांगती है, तो अगर हम लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो ये एक्सपीरियंस हम लोग कहां से अचीव करें, कहां से हम लोग ये एक्सपीरियंस गेन करें? तो बहुत सारे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक प्लांट्स होते हैं जहां पे एज जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है और वहां पे आप लोग 1 to 2 ईयर का अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लोग इन सभी इंडस्ट्रीज में अगर जाते हैं तो आप लोगों को इजिली फिर ये लोग वहां पे रिक्रूट कर लेते हैं, आप लोगों को जॉब दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं उन सभी डोमेस्टिक प्लांट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल और आगे मैं अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर आप लोगों के साथ में उन सभी डोमेस्टिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करूंगा इन डिटेल या उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या उन डोमेस्टिक कंपनीज के बारे में बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी की जहां पे आप लोग जो है एज अ फ्रेशर कैंडिडेट आप लोग जा सकते हैं और 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद फर्दर इन सभी इंडिया की रेपुटेटेड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में आप लोग फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ और वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज, अपने जो आप लोगों के थॉट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं चिकीज बायोलॉजी चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया है। और फ्रेंड्स, आप लोग इन सभी वीडियोज को अपने फ्रेंड्स को, अपने बैचमेट्स को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर्स को आप लोग जरूर शेयर करें क्योंकि फ्रेंड्स वो भी लोग कहीं ना कहीं परेशान होंगे तो जैसे आप लोगों को अपनी कुछ जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्वेरीज होती हैं उनका सॉल्यूशन इन वीडियोस के थ्रू आई होप सो मिलता है, ऐसे ही उन लोगों को भी वहां पे मिले। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।